है वो है ट्वेल्थ हाउस, द्वादश भाव। अब ट्वेल्थ हाउस जो है ये क्या क्या है, इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन कंट्री है, और मेनली जो हिडन एक्टिविटीज हैं आपकी वो है, यानी कि पर्दे के पीछे जो एक्टिविटीज हम लोग करते हैं वो है। ठीक है, तो ट्वेल्थ हाउस जो है ये इन्वेस्टमेंट को, तो चलो हमने थोड़ा सा वैसे लिख दिया, ठीक है, लॉसेस भी है। तो एक चीज ध्यान रखना ट्वेल्थ हाउस को लेकर कि केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर दो हाउस ऐसे हैं कि यदि ये दो घर तुम्हारे फेवर में है, अगर ये दो घर तुम्हारे फेवर में है तो तुम्हारा जीवन जो है वो बहुत हद तक सरल हो जाएगा। और सरल इन द सेंस में इसलिए कह रहा हूं कि इन्हीं दो घर को लेकर व्यक्ति सबसे ज्यादा घबराता है। अच्छा, एक चीज और है, मैं पहले बता दूं कि बहुत से लोग जो है वो रेफरेंस बुक पूछ रहे थे मेरे से, तो ये लेट श्री के एस के जी की बुक है केपी रीडर 3, ये कृष्णमूर्ति जी की ही लिखी हुई पुस्तक है, तो सबसे बढ़िया बुक है रेफरेंस बुक के रूप में, सबसे बढ़िया बुक है ये। और एक दूसरी बुक है सब लॉर्ड स्पीक्स करके श्री के सुब्रमण्यम जी की, जो इन्हीं के सुपुत्र है, उनकी बुक है, तो ये तुम रेफरेंस के लिए ले सकते हो, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी अगर केपी एस्ट्रोलॉजी करनी है। तो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंट्री, हिडन एक्टिविटी और लॉसेस। अब हमने लास्ट टाइम एट्थ हाउस पढ़ा था, एट्थ हाउस किस चीज का है, ह्यूमिलेशन का है, सफरिंग का है, सडन मनी का है। अब ट्वेल्थ हाउस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम लोगों के लिए? ट्वेल्थ हाउस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब ट्वेल्थ कस्पल सब लॉर्ड, ट्वेल्थ सीएसएल आपको मनी गिविंग्स नंबर देने लगे, लाइक 2, 6 एंड 11, तो ट्वेल्थ सीएसएल का 2, 6, 11 जैसे नंबर देने का अर्थ क्या है कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करोगे, आप जो पैसा कहीं पर लगाओगे, उस पैसे के रिटर्न्स कैसे होंगे, रिटर्न्स बहुत अच्छे होंगे। तुम लोग कभी जीवन में ऐसा देखोगे, तुमने देखा कई लोग आपको जीवन में ये कहेंगे, भाई ये प्रॉपर्टी तो मैंने 1,00,000 रुपए में ली थी, आज इसकी कीमत 1 crore है, ये जमीन मैंने 10 lakh में ली थी, इस जमीन की वैल्यू आज की डेट में 10 crore है। तो ये बात आपको व्यक्ति कब बोलेगा? ये बात आपको व्यक्ति तब बोलेगा जब आपका 12th CSL इस तरीके के नंबर दे रहा हो, क्योंकि 12th हाउस किस चीज को दिखा रहा है, 12th हाउस आपके द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट्स को दिखा रहा है। और 12th CSL क्या होगा, कोई ना कोई प्लैनेट होगा, उसके रिजल्ट कौन देगा, उसका नक्षत्र लॉर्ड देगा। अब ये कहां बैठा है इसकी प्लेसमेंट, ये कहां बैठा है इसकी प्लेसमेंट, अगर इन दोनों की प्लेसमेंट इन जैसे घरों में कहीं होगी 2, 6, 11 इस तरीके से, तो आप ये कहोगे सामने वाले को कि आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो इन्वेस्टमेंट अच्छी रहेगी, आपके जीवन में इन्वेस्टमेंट करने से आपको बहुत लाभ होंगे। और कुछ लोग कैसे होंगे, कुछ लोग जीवन में ऐसे भी होंगे वो जहां पैसा लगाएंगे वहां पैसा क्या होगा, खराब हो जाएगा। अब वो कौन होंगे जिनका पैसा खराब होगा, अब वो भी 12th CSL वाले ही होंगे। अब 2, 6, 11 किसका लाभ है, हमारा अपना लाभ है धन के रूप में, और सामने वाले का लाभ क्या है, सामने वाला कौन है 7th हाउस, उसका लाभ कौन है 5, 8 एंड 12, हमारा लाभ क्या है 2, 6, 11,
इसका अर्थ क्या है कि अगर तुम्हारा 12th कस्पल सब लॉर्ड 5, 8, 12 जैसे नंबर दे रहा है तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं क्या होंगी, वो बैड इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगी। वो इन्वेस्टमेंट नहीं रहेंगी, वो बैड इन्वेस्टमेंट्स हो जाएंगी। मतलब ये व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट से लाभ नहीं होंगे, इसको नुकसान हो जाएगा ये कोई इन्वेस्ट करेगा तो। क्लियर है पॉइंट? अब दूसरा पॉइंट क्या था? इन्वेस्टमेंट थी और फॉरेन कंट्री। अब फॉरेन कंट्री इससे जुड़े हुए मैं कुछ प्रिडिक्शंस दूंगा तुम्हें, जो बहुत अच्छे अच्छे प्रिडिक्शंस है, तो उनको नोट करना। और क्लास के एंड में हम एक काम करेंगे, क्लास के एंड में, लास्ट टाइम हम लोगों ने ये कहा था कि ये लोगों को कस्पल सब लॉर्ड देखना नहीं आता या प्रश्न कुंडली के अंदर नंबर डालना नहीं आता, तो हम उसका एक डेमो दे देंगे एस्ट्रो सेज पर, वो किस तरीके से इन लोगों को डालना है ताकि इनको आइडिया रहे कि इनको वर्किंग करनी कैसे। ठीक है, तो बेसिकली 12th CSL किस चीज के लिए? फॉरेन कंट्री के लिए। अब फॉरेन कंट्री भेजने वाले भाव कौन से हैं? सबसे पहले तो जब व्यक्ति फॉरेन कंट्री जाएगा तो सबसे पहले उसके घर की हानि होगी। घर मतलब जहां वो रह रहा है, फोर्थ हाउस, तो फोर्थ की हानि हो जाएगी 12th, तो वो क्या हो गया? थर्ड। अब लॉन्ग डिस्टेंस को कौन सा घर रिप्रेजेंट करता है? लंबी दूरी को, 9th। और फॉरेन कंट्री का स्वयं में घर कौन सा है? 12th हाउस। तो इसका अर्थ क्या है कि जब तुम्हारा 12th CSL ये नंबर्स दे दे, तो इसका अर्थ ये है कि जब तुमसे कोई ये पूछे कि क्या मेरे फॉरेन कंट्री में सेटल होने के चांसेस हैं, क्या मैं फॉरेन कंट्री सेटल हो सकता हूं, तो सामने वाले से एक नंबर ले लो, एक नंबर ले लो प्रश्न कुंडली के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। क्या नंबर लोगे? 1 से लेकर 249 के बीच में लोगे, जो तुम्हारे 249 सब लॉर्ड्स, जो 249 पॉसिबिलिटीज है उनके अकॉर्डिंग। अब उसने मान लो नंबर दिया तुम्हें 22, और 22 नंबर में 12th CSL ने क्या नंबर दे दिया तुम्हें? 3 दे दिया, 9 दे दिया, 12 दे दिया। जरूरी नहीं है तीनों दिए, 2 दे दिए, 3 9 दे दिया, 3 12 दे दिया, 9 12 दे दिया, 9 3 दे दिया, तो इट मींस कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर दिस पर्सन टू सेटल अब्रॉड। अब कब सेटल होगा ये हम दशा अंतर दशा के बेसिस पर उसको प्रिडिक्शन करेंगे, जो हम टाइमिंग ऑफ इवेंट में सीखेंगे कि किसी व्यक्ति को घटना के अनुसार क्या बोलना है कि भाई तेरे साथ में ये घटित होगा, कैसे होगा, कब होगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन हम बात किस चीज की कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्रॉमिस की। क्या चीज ऐसी है जो ईश्वर ने स्थायी रूप से इस व्यक्ति को कहा है कि देख भाई ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो जो व्यक्ति फॉरेन कंट्री जाएगा उसके 12th CSL में आपको 3, 9, 12 जैसे नंबर देखने को मिलेंगे, तभी वो व्यक्ति जो है बाहर जा पाएगा। राइट, अब मैं कहूं कि ये 3, 9, 12 तो तुमने देख लिए, अब इनकी हानि कौन करेगा? 3 की हानि कौन करेगा? 2। 9 की हानि कौन करेगा? 8। और 12 की हानि कौन करेगा? 11। तो 2, 8, 11 जैसे जो नंबर है, 2, 8, 11 जैसे जो नंबर है, वो क्या कर रहे हैं? वो तुम्हें बाहर जाने से रोक रहे, दे आर स्टॉपिंग यू टू गो अब्रॉड, आपको बाहर नहीं जाने देंगे। समझ गए बात को? अब क्या है कि ये हो गया, अब एक और पार्ट पे आते हैं। क्या ये दुनिया जो है इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें छुपकर हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे, छुपकर हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिसको हम कहते हैं छुपे हुए शत्रु, हिडन एनिमी। अब देखो क्या होता है कि हर व्यक्ति तो तुमसे सामने से शत्रुता नहीं करेगा ना, हर व्यक्ति सामने से शत्रुता नहीं करेगा। कुछ लोग होंगे जो तुम्हारी बैक के पीछे
जो है वो तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचेंगे कि यार इसके साथ में कुछ ऐसा कर देते हैं, इसको इसको इसकी इमेज खराब कर देते हैं, इसका ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। आज की डेट में ये ज्यादा चल भी रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया के अंदर ये सब चीजें हो भी रही हैं, और ऑब्वियसली ये किसी के साथ भी हो सकता है हमें से, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे बिहाइंड द बैक जो है वो कौन व्यक्ति हमारे बारे में किस तरीके के विचार रख रहा है, हम ये इस बात को वो नहीं कर सकते। बट हमारा ट्वेल्थ हाउस हमें भरपूर तरीके से बता सकता है कि अगर हमारे पीछे किसी ने षड्यंत्र रचा तो उसका रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा। अगर किसी ने हमारे को छुपकर हानि पहुंचाने का प्रयास किया तो उसका रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, हमें जरूर पता है इस बात का। वो हम केपी एस्ट्रोलॉजी से भली भांति देख सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने सिक्स हाउस में तुम्हें एक चीज बताई थी कि सिक्स हाउस बहुत बहुत अच्छा है। क्या, क्यों अच्छा है? क्योंकि सिक्स हाउस किसकी हानि करता है? सामने वाले की हानि करता है। सेवंथ हाउस की हानि करता है, जो हमारा ओपोनेंट है। तो अब देखो, अगर तुम्हारा ट्वेल्थ सीएसएल छठा घर दिखा रहा है, अगर तुम्हारा ट्वेल्थ सीएसएल ने छठा घर दिखा दिया, इसका अर्थ जानते हो क्या है? इसका अर्थ यह है कि अगर तुम्हारे हिडन एनिमी, जो तुम्हारे छुपे हुए शत्रु हैं, वो अगर तुम्हें कुछ हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? छठा घर है, हानि किसको होगी? हानि तुम्हारे शत्रु को होगी। ये अच्छा हो गया, खराब हो गया? भाई तुम्हें कोई हार्म करने का प्रयास कर रहा है, छठा घर आ गया। छठा घर किसका? ओपोनेंट का है, सामने वाले का। सामने वाले का क्या? सेवंथ हाउस है ओपोनेंट का, उसका लॉस कौन सा घर है? छठा। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा ट्वेल्थ सीएसएल जब छठा घर दिखाएगा तो जो व्यक्ति तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, हानि उसी की हो जाएगी। इसलिए जब तुम्हारे ट्वेल्थ सीएसएल में छह नंबर आ रहा हो और तुमने अपनी केपी चार्ट में यह देख लिया तो घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो बैठ के ईश्वर का जप करके बोलना चाहिए, भेज दो, अच्छा है। समझ रहे हो बात को? इट इज गुड। समझ रहे? मैं क्यों कह रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, तुम किसी भी चार्ट में जब केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर तुम्हारी परिपक्वता थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो तुम एक बात समझ जाओगे। क्या? कि अगर ये दो घर तुम्हारे फेवर में काम कर रहे हैं ना, एट्थ एंड ट्वेल्थ, तो तुम्हारा जो शत्रु है ना, वो कितने भी जतन कर ले वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लास्ट में डिप्रेशन में आके वो खुद सुसाइड कर लेगा, मेरी जिंदगी बीत गई इसको हार्म करते करते, लेकिन ये व्यक्ति आज तक हार्म नहीं हुआ यार, क्या मतलब, इसका कौन सा ऐसा योग है जो कार्य कर रहा है। अब मैं वो बताऊंगा कि ऐसी सिचुएशन कब आती है कि आपको हार्म किया जा रहा है लेकिन उसके बाद भी आप ग्रो कर रहे हो। तो यहां आपको उसका आंसर मिलता है। क्यों? क्योंकि ट्वेल्थ हाउस क्या है? ट्वेल्थ हाउस वो एक्टिविटीज हैं जो छुपे हुए रूप से आपके प्रति हो रही हैं, और ट्वेल्थ हाउस सिर्फ वो एक्टिविटीज नहीं है जो आपके पीठ पीछे हो रही है, बिहाइंड योर बैक, ये वो एक्टिविटीज भी हैं जिनको आप भी सीक्रेटली कर रहे हो, आप भी जिनको सीक्रेटली कर रहे हो। समझ रहे हो बात को? ट्वेल्थ हाउस वो भी है। अब इसका उदाहरण मैं देता हूं, कैसे? जैसे ट्वेल्थ सीएसएल क्या है? छुपे हुए शत्रु का है। अगर सिक्स हाउस दिखा दिया तो हानि किसकी होगी? उन्हीं की होगी। लाभ कौन सा घर है? इलेवेंथ हाउस। अब ये और मजेदार बात हो गई, ये और भी अच्छा हो गया। कैसे हो गया? कि मान लो हितेश के चार्ट में ट्वेल्थ सीएसएल 6-11 दिखा रहा है, 6 और 11 दिखा रहा है, ठीक है। अब हितेश को कोई किसी ने हार्म करने का प्रयास किया कि चलो यार इसको हार्म करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ करते हैं इसके लिए, कोई रचते हैं, कोई प्लानिंग रचते हैं। अब हितेश के चार्ट में 11-6, तो नुकसान किसका हुआ? उसका हुआ। अब उसने जिसके साथ में प्लानिंग करी हितेश को हार्म करने की, अब वो कहीं ना कहीं कौन निकला? वो निकला हितेश का मित्र, उसने हितेश को ऑलरेडी बता दिया, तो हितेश ने प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया, और अपॉर्चुनिटी से क्या ले लिया? गेन ले लिया।
इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका 12th CSL, जिसका 12th CSL 6 दे रहा है और 11 दे रहा है, अब मुझे तुम बताओ कि क्या उसके अगेंस्ट प्लानिंग और प्लॉटिंग करने का फायदा है? नहीं। तुम अपनी ऊर्जा, अपना समय दोनों जाया कर रहे हो। यह आदमी का तुम्हारे से कुछ नहीं बिगड़ेगा, उल्टा उल्टा तुम किसका बिगड़वा लोगे? तुम खुद का बिगाड़ लोगे। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद एनी पर्सन हु इज हैविंग 12th कस्पल सब लॉर्ड एज 6-11। बात समझे? अब एक और बात बताता हूं। मैंने तुम्हें क्या कहा कि सिर्फ 12th हाउस नहीं, 8th हाउस भी ऐसे ही बहुत चमत्कारी, 8th CSL भी उतना ही चमत्कारी है। ये कैसे है कि मान लो 8th कस्पल सब लॉर्ड किस चीज का है? देखो दो चीजें होती है हितेश, ये एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बड़ा जरूरी है भाई। ये जितने भी अपने स्टूडेंट इस टाइम पे देख रहे हैं इसको, इन सब के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जितना ज्यादा ह्यूमिलेट ये कम्युनिटी एक दूसरे को करती है, इतना ह्यूमिलेट कोई नहीं करता। क्योंकि इस कम्युनिटी की एक खासियत है कि इसमें हर व्यक्ति ना अपनी बात को ऊपर रखने का प्रयास करता है। मैं जो कह रहा हूं मेरा सूत्र अच्छा है, सामने वाला कहेगा मैं जो कह रहा हूं मेरा सूत्र अच्छा है, जबकि हम सब लोग ये जानते हैं कि चाहे सूत्र मेरा हो, चाहे सौरभ का हो, चाहे मलव का हो, हितेश का हो, मंजीत का हो, किसी का भी, लेकिन सूत्र सही है या नहीं ये कौन डिफाइन करेगा? ये वो डिफाइन करेगा जो सूत्र को पढ़ रहा है, जो सूत्र का आकलन अपनी जन्म कुंडली में करेगा। जब वो अपनी जन्म कुंडली में लगाएगा, ही विल टेल दैट दिस सूत्र इज वर्किंग और नॉट। तो आधा एस्ट्रोलॉजर बेचारा इस बात से डिस्टर्ब होता है कि यार उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, मेरा काम नहीं कर रहा है, वो मेरे बारे में ऐसे बोल रहा है, मेरे बारे में वैसे बोल रहा है। तो ये सभी एस्ट्रोलॉजर्स के लिए मैं एक फंडामेंटल सूत्र बता देता हूं, घबराने का नहीं, अपने 8th कस्पल सब लॉर्ड को देखने का। कौन से कस्पल सब लॉर्ड को? 8th को। आपको ह्यूमिलेट कौन सा भाव करता है? आपकी बेइज्जती कौन सा भाव करता है? 8th। आपको डिप्रेशन में कौन सा भाव डालता है? 8th। आपको पीड़ा और सफरिंग देने का काम कौन सा भाव करता है? 8th। अब मैं एक बात बहुत अच्छे से तुम लोगों को बता रहा हूं कि तुम किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, अगर तुम्हें कोई ह्यूमिलेट करने की सोच रहा है, अगर तुम्हें कोई पीड़ा देने की सोच रहा है, अगर मैं मान लो ये विचार करूं कि भाई मुझे हितेश को ना मतलब ह्यूमिलेट करना है, हितेश का जो मतलब एक वो बना हुआ है, एक स्टेचर जो बना हुआ है, उसको हार्म करना है कुछ भी करके, और इसको पीड़ा होनी चाहिए, तो जब इसकी डिसरिस्पेक्ट होगी, इसके बारे में लोग कुछ बोलेंगे, ये अपने आप डिप्रेशन में चला जाएगा, कुछ ना कुछ इसके अगेंस्ट में हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि बस तुम भगवान से एक दुआ मांगो कि ये दो घर तुम्हारे फेवर में हो, फिर देखो तुम्हारे साथ में क्या होता है। कैसे? सपोज करो कि हितेश के साथ में या हितेश को किसी ने टारगेट कर लिया कि भाई मेरे को इसको ह्यूमिलेट करना है, लेकिन हितेश का 8th CSL कौन सा नंबर दे रहा है? 10th हाउस दे रहा है। कौन सा नंबर? 10th हाउस। स्टेटस कौन सा घर है? तो जानते हो हितेश क्या होगा? लोग तुम्हें ह्यूमिलेट करने आएंगे, तुम्हें पीड़ा पहुंचाने आएंगे, अल्टीमेटली क्या करके जाएंगे? तुम्हारा स्टेटस हाई कर जाएंगे। क्या बोल रहा हूं? घबराने का नहीं। 8th CSL अगर 10th हाउस दे रहा है और कोई व्यक्ति तुम्हें पेन पहुंचाने का कोशिश करेगा, तुम्हें ह्यूमिलेट करने का कोशिश करेगा, तो क्या होगा? तो जब तुम्हारा 8th CSL तुम्हारे फेवर में हो, जब 8th CSL तुम्हारे फेवर में हो, तो जो लोग तुम्हें हार्म करना चाहते हैं डायरेक्टली कि चलो इसको हार्म करो, वो लोग जानते हो तुम्हारे लिए क्या है? वो तुम्हारे लिए वो जो
क्या बोलते हैं वो, बोलते नहीं हम नजर बट्टू बोलते हैं उसको, बोल नहीं काला टीका नहीं लगाते कि भाई आदमी को नजर ना लग जाए। तो यू शुड आस्क फॉर पीपल, तुम तो ये सोचो कि आए ज्यादा से ज्यादा लोग और मेरे अगेंस्ट में बोले। अब तुम्हें क्या लगता है कि हमारे देश में किस नेता की जन्म कुंडली में ये योग होगा कि जिसको ह्यूमिलेट किया जाए और वो बंदा राइज किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, 8th कस्पल सब लॉर्ड, विच हाउस, 10th हाउस। यू शुड आस्क फॉर ह्यूमिलेशन, आओ यार कोई कर दो बेइज्जती यार, हम तो खाली खड़े। समझ रहे हो बात को? तो 8th सीएसएल 10th हाउस, गेम कौन सा हाउस कराएगा? 11वां घर। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि हितेश के 8th सीएसएल ने 10th और 11th दोनों दे दिया। अब मैंने सोचा कि चलो यार इसको ह्यूमिलेट करता हूं। अब क्या किया कि हितेश के चीजों को सामने बोलना शुरू कर दिया, नेगेटिव, ऐसा है, वैसा है, वैसा है। अब हितेश के चार्ट में क्या है, 8th सीएसएल 10th भी दे रहा है, 11th भी दे रहा है। अब सामने वाले की मेंटालिटी पता कैसा काम करना शुरू कर देगी, यार ये इतना हितेश के बारे में अगेंस्ट बोला जा रहा है, हितेश बंदा क्या है, एक बार देखते हैं इसको। तो वो उसके पास क्या होगा, वो उसके पास आएगा, उसका एनालिसिस करेगा व्यक्ति, अपने अपने हिसाब से एनालिसिस करेगा। भाई व्यक्ति दो तरीके से एनालिसिस करता है, एक वो जब उसको कोई चीज बताई गई होती है, एक वो जब वो शांत से बैठ के अपने आप देखता है यार ये व्यक्ति है क्या, क्या ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में लोग ऐसा कह रहे हैं या ये कुछ और है। जब वो हितेश को ढंग से देखेगा तो उसको एक अलग पिक्चर नजर आएगी। फाइनली होगा क्या कि हितेश का स्टेटस तो ग्रो हुआ ही हुआ, साथ में क्या हुआ, गेम्स भी हो गए। एक बात जीवन में मेरे याद रखना, अगर तुम्हारा 8th कस्पल सब लॉर्ड, 8th कस्पल सब लॉर्ड यदि इन जैसे नंबर्स देता है 2, 6, 10, 11, 2, 6, 10 and 11, हमेशा जीवन में याद रखना, जब जब तुम्हारे जीवन में कष्ट आएगा, जब जब तुम्हारे जीवन में पीड़ा आएगी, जब जब लोग तुम्हारे को कष्ट देने का काम करेंगे, तब तब क्या होगा, तब तब तुम्हें धन, मान प्रतिष्ठा, सामने वाले का लॉस और तुम्हारी इच्छा पूर्ति, ये सब हो जाएगी। इसलिए जिस व्यक्ति के 8th सीएसएल में 2, 6, 10, 11 जैसे नंबर हो, उसको कभी भी ईश्वर से सरल जिंदगी की कामना नहीं करनी चाहिए। मेरे को बहुत अच्छी लाइफ दे दो, बोले यार दे दो ना, जो है वो दे दो, मान भी मेरा, अपमान भी मेरा, सब मेरा है, कोई दिक्कत नहीं है, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग। खुशी भी मेरे को दे दो, दुख भी मेरे को दे दो, पीड़ा भी मेरे को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में जब बिलीव करोगे ना, जब आस्था रखोगे ज्योतिष में, तो ज्योतिष चमत्कार भी करेगा। ज्योतिष चमत्कार भी तभी करेगा। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि तुम्हारे इन घरों का अच्छा होना जरूरी है। दुनिया क्या कहती है कि सबसे नेगेटिव घर कौन से हैं, बताओ मेरे को, 8th and 12th क्या बोलते हैं, सबसे खराब घर कौन से, 8 और 12। अगर ये घर तुम्हारे फेवर में है, अगर ये घर तुम्हारे फेवर में आ गए, तो तुम यकीन मानना ये ठीक वैसा हो गया जैसे परमात्मा साक्षात तुम्हारे साथ में आके खड़ा हो गया। इसको तुम कष्ट दोगे, मैं इसको धन दूंगा, तुम इसको पीड़ा दोगे, मैं इसको लाभ दूंगा, तुम इसकी हानि के बारे में सोचोगे, मैं इसके स्टेटस को अप कर दूंगा। बात समझ गए? 8th हाउस और 12th हाउस ये करते हैं। और एक चीज बता, 12th हाउस जब आप 12th सीएसएल देख रहे हो
तो 12th CSL में 7th हाउस का आना इज बैड, एक्चुअली बैड. क्यों? सातवां घर क्या है? सातवां घर सामने वाली जनता है. मैं भी पढ़ा रहा हूं इस टाइम पर मेरे को YouTube पे देख रहे होंगे लोग, पढ़ रहे होंगे अभी इस टाइम पर. वो लोग कौन सा घर है? सातवां घर. अब मान लो मेरा 12th CSL 7th हाउस दिखा रहा है, तो जो मैं खुरापात करूंगा, मैं जो हिडन एक्टिविटीज करूंगा, वो कौन से घर से आएंगी? वो 12th हाउस से आएंगी. 7th हाउस कौन है? ये सब लोग हैं. और अगर मेरे 12th CSL ने 7th हाउस दे दिया, तो इसका अर्थ क्या होगा कि मैं जो भी हिडन एक्टिविटी करूंगा वो इनके सामने आ जाएगी कि ये देखो ये गड़बड़ कर रहा है. यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन योर 12th CSL शोज 7th हाउस. आपका 12वें घर का उपनक्षत्र स्वामी यदि सप्तम भाव दिखा रहा है, आपको बहुत केयरफुल रहना है सीक्रेट एक्टिविटीज करते हुए. क्यों? क्योंकि वो सीक्रेट एक्टिविटीज सामने वाले के सामने आकर खड़ी हो जाएगी. अब इसका अर्थ कैसे है? इसका अर्थ ऐसे है कि मान लो विनय है, विनय का 12th CSL मान लो 7th हाउस दिखा रहा है, ठीक है. 12th CSL क्या दिखा रहा है? 7th हाउस दिखा रहा है. अब विनय बैठा यहां पर कुछ प्लान कर रहा है कि भाई कल ना मैं मलव को मारने वाला हूं, ठीक. अब सौरभ यहां बैठा हुआ है आसपास कहीं. अब विनय का 12th CSL क्या कह रहा है? 7th हाउस. अब सौरभ ने सुन लिया कि विनय ऐसा कुछ सोच रहा है, और सौरभ ने क्या किया, वो जाके बात मलव को बता दी कि देखो देखो ऐसा है ना, वो विनय ऐसा कुछ प्लान कर रहा है, यू नीड टू बी केयरफुल. तो 12th CSL वाला जब 7th हाउस शो करे, तो डोंट इंडल्ज इन हिडन एक्टिविटीज. मत करो, खुरापात मत करो, कोई फायदा नहीं है करने का, मारे जाओगे. 12th CSL 8th हाउस दिखाए, तो 12th CSL 8th हाउस दिखाए, वेरी बैड. रिमेंबर दिस इज वन ऑफ द वेरी बैड प्लेसमेंट. इसका उपाय मैं तुम्हें दूंगा, इसकी अलाइनमेंट कह सकते हैं कर्मा अलाइनमेंट, वो मैं तुम्हें दूंगा, बट ये बैड प्लेसमेंट है, ठीक है. 12th CSL अगर आठवां घर दिखाए तो बैड प्लेसमेंट है. क्यों बैड है हितेश? कि अगर तुम सीक्रेटली कोई एक्ट परफॉर्म करोगे, तुम हिडन इंटेंशंस के साथ कोई एक्ट परफॉर्म करोगे, तो पीड़ा किसको होगी? तुम्हें होगी. 8th हाउस तुम्हारी पीड़ा. इसलिए 12th CSL जब 8th हाउस दिखाए, तो सामने वाले को पीड़ा देने से पहले विचार कर लो, क्योंकि वो पीड़ा किसको दे रहे हो? तुम स्वयं को दे रहे हो. अगर आदमी ज्योतिष पढ़ लेना सही से, हाँ, ज्योतिष को समझ ले, तो खाना खाता हुआ भी डरने लगेगा. खाना खाता हुआ भी डरने लगेगा, यार ये जो मैं खाना खा रहा हूं इससे कोई हानि तो नहीं हो रही. सही से अगर पढ़ ले तो दुख देना तो बहुत दूर की बात है. वो खुद को सुख देते हुए भी सोचेगा, दूसरे को दुख देना तो बहुत दूर की बात है. स्वयं भी कोई सुख लेता हुआ सोचेगा, अरे यार मैं सुख ले रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही. भोजन का चयन, करेक्ट करेक्ट, भोजन का चयन. सेकंड कस्पल सब लॉर्ड, दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी आठवां घर दे रहा है, बारहवां घर दे रहा है, और ये आदमी इंडल्ज हो गया, मतलब ऐसी बैड फूड हैबिट्स में खूब दबा गया अपना. सुबह नॉनवेज, दोपहर नॉनवेज, रात को नॉनवेज, पूरा दिन इसका वही चल रहा है. यकीन मानना इसकी हालत एक टाइम पर इतनी खराब हो जाएगी, इस हद तक खराब हो जाएगी जो इसने कभी कल्पना भी नहीं की. अब ऐसे में क्या करना होगा? जब सेकंड CSL 8th और 12th हाउस दिखा रहा है, आपको स्वयं भी सात्विक आहार लेना है और आहार का दान भी करना है. वो करना कैसे है? गुप्त रूप से करना है. फेसबुक पर पोस्ट नहीं करनी कि आज मैंने देखो इसको केले खिलाए तो मैंने क्लिक कर दिया, आज मैंने केलों का वितरण किया है, जो आज की डेट में चल रहा है ना. एक एक चीज किसी को पकड़ाते हैं उसकी, चलो मेरी पिक खींच ले, आज मैं फेसबुक पे डालूंगा, ओहो आई एम फीलिंग वेरी गुड टुडे. वो वेस्ट हो गया. 12th कस्पल सब लॉर्ड, जब तुम्हारा 8th हाउस दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे द्वारा की गई
हिडन एक्टिविटीज किसको पेनफुल रहेंगी? स्वयं को रहेंगी। अब मैं तुमसे एक सवाल करता हूं हितेश, सीक्रेट हाउस कौन सा है? सीक्रेट्स का एट्थ हाउस। चैरिटी का हाउस कौन सा है जिससे आप दान करते हो चीजों को? ट्वेल्थ हाउस। अब याद रखना ये रेमेडी भी है और ये कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक भी है। मैं तुम्हें बता रहा हूं बहुत क्लीनली कि जब तुम्हारा 12th CSL आठवां घर दिखाए तो आपको कुछ नहीं करना, आपने जीवन भर जो दान करना है, जो दान धर्म आप करोगे, जो दान पुण्य आप करोगे, वो किसी को बिना बताए करोगे। आपके बच्चे, आपके लाइफ पार्टनर, आपके मां बाप को भी ये पता नहीं होना चाहिए कौन सा दान कहां करके आ रहा है। अगर ऐसा इसने कर लिया, ऐसा इसने बैलेंस कर लिया तो फिर ठीक है, ये 12th CSL 8th हाउस में कुछ नहीं करेगा, अन्यथा ये आपका जीवन खा जाएगा। क्यों खा जाएगा? क्योंकि दिन में 24 घंटे में एक बार तो किसी के लिए विचार आता ही आता है कि इसको तो पकड़ के पीटना है। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि भाई मेरे को दिन में एक सेकंड के लिए भी ये विचार नहीं आता कि मैं इसको ना मारूं। कोई कोई व्यक्ति होता है ना जो आपसे अथाह प्रेम करता है, तो उस अथाह प्रेम करने वाले के लिए अथाह जो भावनाएं उमड़ती हैं वो दिन में आती है ना, 24 घंटे में से एक सेकंड के लिए आती है ना। अब गलती से वो जो भावनाएं उमड़ रही हैं वो तब उमड़ रही हैं जब तुम्हारा 12th CSL 8th दे रहा है, तो तुम उन भावनाओं को भी क्या करो, दबा लो। क्यों? क्योंकि अगर वो भावनाएं बाहर आई तो तुम किसका नुकसान करोगे, अपना करोगे। समझ गए बात मैं क्या बोल रहा हूं? कि ज्योतिष अगर व्यक्ति समझ ले, जितना व्यक्ति ज्योतिष के नजदीक जाता है ना, जितना व्यक्ति ज्योतिष के नजदीक जाता है, उसके मर्म को समझने का एक वो बनाता है, प्रयास करता है, तो वो सामने वाले को उपाय देना बंद कर देता है और सबसे पहले स्वयं में परिवर्तन करना शुरू कर देता है। क्योंकि उसको यह समझ में आ जाता है कि अष्टम भाव हितेश की पीड़ा नहीं है, ये मेरी पीड़ा है। बारहवां घर जो है ये हितेश का नुकसान नहीं है, मेरा नुकसान है। छठा घर जो है ये हितेश की बीमारी नहीं है, मेरी बीमारी है। एक साउथ इंडिया का एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर था, साउथ इंडिया का, तो मेरी और उसकी चर्चा चल रही थी, तो हम एक हॉरोस्कोप पर काम कर रहे थे दोनों लोग। मैंने कहा उसको, मैंने उसको बोला कि इस व्यक्ति को पैसे को लेकर बहुत बड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। मैंने उसको बोला कि ये जो चार्ट है इसमें पैसे को लेकर इस व्यक्ति को बहुत बड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। अब तुम्हारे दिमाग में एक थॉट क्या आएगा, यार पैसा भी है तो मतलब ये तो ऐसा हो गया ना कि किसी आदमी को हम ये कह रहे हैं भाई तू पैसा मत कमा, क्योंकि अगर तूने पैसा कमाया तो तुझे पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। तो हमने उस पर अपनी चर्चा जारी रखी। उसने कहा कि इसको केपी एंगल से भी देखते हैं। अब केपी एस्ट्रोलॉजी में एक नियम है, क्या नियम है? अगर हितेश मैं तुमसे कहूं या बाकी सब लोग भी आंसर करेंगे, मेरे को अच्छा लगेगा, मेरे को लगेगा ये लोग क्लास में है, ब्याज का पैसा कौन सा है, फाइनेंस का पैसा कौन सा है, हम किसी व्यक्ति को फाइनेंस पैसा कौन से घर से करते हैं? जैसे सपोज मुझे अगर हितेश को ब्याज पर पैसा देना है, मैं कौन से घर से दूंगा? सिक्स्थ हाउस से दूंगा। बाकी सब लोगों से पूछो क्या आंसर कर रहे हैं वो लोग, ये लोगों को आइडिया है? सिक्स्थ छठा घर किसी ने एक तो बोला है, जो उधार देना, कर्ज देना और कर्ज लेना, ये दोनों छठा घर, डेट बेसिकली। तो डेट की इनकम भी छठा ही, ठीक, इसलिए रेंटल इनकम भी छठा है जो हम फाइनेंस।
अब मुझे बताओ मतलब क्रॉनिक इलनेस का घर कौन सा है, जो आपकी बीमारी को क्रॉनिक कर देगा वो क्रॉनिक घर कौन सा है, वो आंसर भी आने दो, सब लोगों को आंसर करने दो, कौन सा घर है जो क्रॉनिक इलनेस बनाएगा। बेसिकली आठवां घर क्रॉनिक इलनेस है, जो लंबी खिंचती है, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस बोलते हैं इसको, ये लंबी जाती है, प्रोलॉन्ग डिजीज बेसिकली आठवां घर, और कष्ट भी आठवां घर है। ठीक है, अब जिस व्यक्ति के जन्म पत्रिका में छठा कस्पल सबलॉर्ड आठवां घर दे, उसको कभी ब्याज का पैसा नहीं खाना चाहिए, दैट विल डिस्ट्रॉय यू, खा जाएगा आपको। आप कहो जी मैं तो जानता हूं ऐसे व्यक्ति को जिसका सिक्स सीएसएल आठवां घर दे रहा है, वो ब्याज से कमा रहा है, पैसे कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं हुई, दशा आने दो, दशा तो मेरी भी है, तुम्हारी भी है, सबकी है, किसकी नहीं आएगी, जिस दिन आएगी उसको समझ में आ जाएगा मैंने ब्याज का काम किया क्यों, फिर वो रोएगा अपनी किस्मत को। अब जब मैंने सिक्स सी एस एल एट देखा, बिकॉज मैं जानता था कि भाई ये व्यक्ति ये कार्य कर रहा है, तो मैंने अपना जो ऑप्शन था अपने पास में रखा, मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम्हारा अपनी चॉइस क्या कहती है, उसने कहा मेरी चॉइस ये कहती है अगर ये व्यक्ति अपने धन से धन कमाएगा, अपने धन से आदमी धन कैसे कमाता है कि मान लो मेरे पास धन है, मैंने 100 रुपया जो है मलब को दे दिया और मैंने बोला मलब ये जो 100 रुपया है मैं तेरे को इंटरेस्ट पे दे रहा हूं, तो तुझे मुझे इंटरेस्ट देना है इसका, तो मैं क्या कह रहा हूं धन से क्या कमा रहा हूं, धन कमा रहा हूं। उसने बोला यदि ये व्यक्ति धन से धन कमाएगा तो इसकी गति बहुत खराब हो जाएगी, ही विल हैव वेरी ह्यूज प्रॉब्लम्स। एंड द सेम थिंग वॉज देयर इन द केपी चार्ट के भाई सिक्स सीएसएल जो है वो आठवां घर दिखा रहा है। इसका अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति इस तरीके का कार्य कर रहा है उसको समझा दो एक बार, उसको बता दो कि देख भाई तू कर रहा है बहुत अच्छी बात है, यू आर डूइंग दिस वेल एंड गुड, बट ध्यान रखियो ये ग्रह की जब दशा आएगी छोड़ेगी नहीं तेरे को, समझ रहे हो। इसलिए सिक्स सीएसएल जब आठवां घर दे, उधार दे दो किसी को, उधार दे दो किसी को चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है आप उधार देने से आप बीमार हो जाओगे, उधार देने के बाद उस पैसे को खाओ मत। क्यों, विचार किया इस बात पे, इसके टेक्निकल पहलू पे विचार किया, मैं करवाऊं, मैं बताता हूं। अर्न अर्न्ड इनकम कौन सा पैसा है, एट्थ हाउस, यानी कि आठवां घर वो पैसा है जिसके लिए हमने कोई मेहनत ही नहीं करी। अब मैंने क्या किया, मेरी जेब में 20 रुपए पड़े थे, सौरभ ने कहा सर मुझे 20 रुपया चाहिए, मैंने 20 रुपया सौरभ को दे दिया, मैंने कह दिया सौरभ ये 20 रुपए तो तुझे मिल गए लेकिन तुझे हर महीने मुझे 10 रुपया देना पड़ेगा। अब जो पैसा सौरभ मुझे दे रहा है क्या उस पैसे के लिए मैंने कोई मेहनत की है, नहीं की। अब वो मेरे लिए कौन सा घर का इनकम हो गया, वो आठवें घर का इनकम हो गया। अब होगा क्या कि जब सिक्स सीएसएल मेरे चार्ट में आठवां घर दे रहा है, जब मेरी वो दशा आएगी तो मेरी दुर्दशा होनी तय है, अगर ऐसा होता है तो, अगर ब्याज की चीजें की जाती हैं तो। इसलिए यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद 8th हाउस एंड 12th हाउस, दीज आर नॉट बैड हाउसेस, ये हाउसेस बैड नहीं है, ये कुछ एक्शन ऐसा बैड करवा देंगे जो तुम्हारी लाइफ को बैड कर देगा, हाउसेस बैड थोड़ी है यार। आठवां घर दूसरे का पैसा है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी को अपना पैसा दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मतलब को मान लो पैसा दे दिया, ठीक है, तो मेरा पैसा कौन सा घर था, सेकंड हाउस। अब जो पैसा मैंने मतलब को दिया वो पैसा 8th हाउस बन गया क्योंकि मतलब को पैसा मिल गया, मतलब 7th हाउस है तो उससे सेकंड हो गया। अब मान लो मेरा पैसा अगर मतलब ले गया और वो मेरा पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है, तो जानते हैं क्या हुआ है। अब तुम मुझे बताना, ये मैं तुम्हारा विजडम चेक करूंगा कि तुम्हारा एस्ट्रोलॉजिकल विजडम क्या कहता है, ये अच्छा हुआ कि तुम्हारा पैसा कोई नहीं लुटा रहा है या बुरा हुआ। अच्छा हुआ,
ये अच्छा हो गया, क्योंकि जब तुम्हारा पैसा सामने वाले के पास गया तो तुमने आठवें घर के तौर पर वो चीज दे दी और सामने वाले ने वो लुटाई नहीं। उसने क्या किया, उसने जाने अनजाने में तुम्हारा कष्ट काट दिया। उसने जाने अनजाने में तुम्हारा कष्ट काट दिया। इसलिए मैं रेमेडी के रूप में हर व्यक्ति को एक चीज बोलता हूं, मैं कभी भी रेमेडी करनी है ना तो रेमेडी के रूप में एक चीज बोलता हूं, तुम्हारे पैसे कभी खराब नहीं होंगे, तुम कष्टों से बहुत हद तक बचे रहोगे। क्या होता है कि सपोज तुमने कोई ऑटो किया, कोई रिक्शा की, ऑटो वाले ने मांगे 50, उसको 60 दे दो, रिक्शा वाले ने मांगे 100, उसको 120 दे दो, कम मत दो, एक्स्ट्रा दे दो। ये क्या होता है, ये आठवें घर का उपाय होता है। कई लोगों की आदत होती है, ये जो आप टिप देके जाते हो, ये होटल में जो टिप देते हो, अभी कौन सा घर है ये, चैरिटी करते हो आप, चैरिटी नहीं है वो, चैरिटी नहीं है वो, सामने वाले की सेवा से, सामने वाले की सेवा से, सामने वाले ने खाना सर्व किया ना आपको, सेवा कौन सा घर है, 6th house, और आप उसको पैसा दे रहे हो 8th house, यानी कि उसके पास वो पहुंच रहा है। इसलिए टिप क्या है, टिप छठे घर का और आठवें घर का एक उपाय है। अब कई बेवकूफ जो है वो लड़ते हैं इस बात पे, अरे टिप देके क्या कर दू, ये जो इतना पैसा होटल वालों ने ले लिया, उनका जो माइंड है वो सेल्स टैक्स और ये टैक्स वो गिनता है ना, वो तो दिमाग, इंटेलिजेंट लोग, ज्यादा दुखी कौन रहता है, इंटेलिजेंट आदमी, हम जैसा मूर्ख तो खुश रहता है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो जो व्यक्ति कुछ दे रहा है, वो दे नहीं रहा, वो अपना उपाय कर रहा है, और जो व्यक्ति ले रहा है खुश होकर कि देखो उसका पैसा ले लिया, बिना किए ले लिया, उसका तो आठवां घर तुमने काट दिया और अपने आठवें घर में चाबी लगा दी। इसलिए अभी तो तुम खुश हो, उसका ले लिया, जब ये प्लैनेट एक्टिव होगा दशा में, जब वो आठवां घर एक्टिव होगा दशा में और किसी नेगेटिव घर के साथ कंबाइंड होगा, छठे के साथ कंबाइंड हुआ, बीमारी होगी, पीड़ा में आ जाओगे, सेकंड के साथ कंबाइंड हुआ, पूरी की पूरी फैमिली टेंशन में आ जाएगी, तीसरे के साथ कंबाइंड हुआ, ये हाथ पैर काम करना बंद कर दे, हाथ हिलना बंद कर देगा, अरे यार ये क्या हो गया, हाथ हिल नहीं रहा। 4-8 है तो डोमेस्टिक पीस खराब हो जाएगा, चेस्ट में ब्लॉकेज आ जाएगी, अरे यार क्या हो गया, आवाज भी नहीं निकल रही, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। इसलिए मैं बोलता हूं, मैं साफ साफ बोलता हूं, ये घरों से जब डील कर रहे हो 12 से 8 से 6 से सोच के डील करना। हम कहते हैं कर्म, यही कर्म है, यही कर्म है। अगर पूछो ना कि कलयुग, कलयुग नहीं है भाई, करयुग है, और इस करयुग का जो सबसे बड़ा ट्रायो है, जो मिस्टिक ट्रायो है, यानी कि जो त्रिदेव है, वो 6, 8 और 12 है। आपने कहा करयुग, करयुग। बेसिकली आठवें घर के लिए अच्छा कार्य करोगे, लॉन्जिविटी दे देगा, तुम्हारी आयु बढ़ा देगा। आशीर्वाद जब मिलता है, जब कोई बुजुर्ग आपके सर पे हाथ रखता है, क्या बोलता है, आयुष्मान भव, क्या बोलता है, आयुष्मान भव। वो कौन से घर को आपके प्रॉस्पर कर रहा है, वो आठवें घर को कर रहा है, वो कह रहा है भाई तेरी आयु जो है बढ़े। इवन जो हमारे गुरु लोग हैं वो हमारे कष्ट ही तो भर रहे हैं। यस, एब्सोल्युटली यस। आठवें घर, अब बारहवें घर की एक समस्या क्या है, बारहवें घर की फिलोसफी समझो ना तुम, ज्योतिष में क्या है, केपी एस्ट्रोलॉजी क्या कह रही है, भाई बारहवां घर है तेरा,
तेरी कुंडली में 12 अगर 2, 6, 11 दे रहा है। अब तुम अगर कभी जाओगे तो तुम नॉर्मल प्लेसमेंट देखना, जब जन्म कुंडली तुम खोलते हो ना, तो जन्म कुंडली में कुछ नॉर्मल प्लेसमेंट ऐसी होती है कि जिसमें कुछ प्लेसमेंट ना तुम्हें इमीडिएटली बोल्ड करेंगी। जैसे चंद्रमा 4 में, तो जिस व्यक्ति का चंद्रमा 4 में है, किसी का भी, मेरा, मलव का, हितेश का, सौरभ का, किसी का, तुम सिंपली ये देखो ये आदमी खर्चीला है कि नहीं है, ये आदमी स्पेंड करता है कि नहीं है। अगर वो स्पेंड करता होगा वो रिच होगा, उसके पास पैसे की कमी नहीं होगी। वो जितना खुल के खर्च करने वाला होगा ना उतना रिच होगा वो व्यक्ति। अभी मैं केपी एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करूंगा इस बात को। चंद्रमा जिसका 7th हाउस में होगा, चंद्रमा जिसका 7th हाउस में होगा, उसके साथ में क्या होगा, उसका उसकी अर्निंग बाद में आएगी, पहले खर्चे का रास्ता तैयार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मलव की सैलरी 3 लाख है, तो मलव की सैलरी आनी है 5 तारीख को, तो 2 तारीख को मलव के एक्सपेंडिचर रेडी हो जाएंगे। सैलरी कितनी आनी है, 3, खर्चा कितने का आ गया, 4 का। पैसे की कमी नहीं होती। When you have moon in 7th house, there is flow of money every now and then, पैसा खूब आता है, लेकिन खूब आता है और भरपूर जाता है। समझ रहे हो बात को? अब ऐसी मैं तुम्हें बताऊं, एक बार मेरे पास एक मेरठ का कपल आया था जब मैं कंसल्टेंसी करता था, तो मैंने ऐसे 500-700 जो सूत्र हैं वो लिख रखे थे, पता नहीं वो बुक वुक कहाँ चलेगी उस टाइम पे। अच्छा, जब आप नया नया ज्योतिष करते हो तो आपके मन में ना एक भावना रहती है सामने वाले को इम्प्रेस करने की, चलो यार कुछ ऐसा बताएं। जब बड़ा हुआ वो कपल आके बैठ गए, हम ज्योतिष को नहीं मानते, ठीक है जी नहीं मानते, मैं कहा बैठे तो हुए आप, हाँ हमें किसी ने रेफरेंस दिया, हमने सोचा देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी, आप अपनी पत्रिका दीजिए, मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। मैंने देखा वो व्यक्ति का चंद्रमा 8वें घर में था, चंद्रमा 8वें घर में। अब आम तौर पे तुम्हें ये प्रिडिक्शन सही मिलेगी, आम तौर पे मैंने चंद्रमा की प्रिडिक्शंस दे भी रखी है, एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने चंद्रमा के 12 के 12 घरों की प्रिडिक्शंस बताई है। अब जिसका चंद्रमा 8ष्टम भाव में होगा, मतलब उस व्यक्ति की जेब में तुम्हें फॉरेन करेंसी मिल जाएगी, उसके पर्स में, उसके घर के ड्रॉअर में, या कुछ भी। तो उसका चंद्रमा 8वें घर में था। मैंने थोड़ा भगवान का नाम लिया, मैंने कहा भाई लाज रख लेना, नए नए ज्योतिषी थे तो नए नए ज्योतिषी थे, हमने बोला, मैंने कहा काम कीजिए आप ना इस समय फॉरेन करेंसी कैरी कर रहे हैं। वो आदमी सन, अब एक मिनट के लिए वहां आवाज नहीं है, मैं ये सोच रहा हूं शांति से बैठ के यार प्रिडिक्शन गलत हो गई है, या वो भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। वो अपनी वाइफ को बोलता है जरा मेरा वॉलेट देना, उस वॉलेट जो है उसकी वाइफ के पास था, मेरा वॉलेट देना, वॉलेट। उसने अंदर से पौंड निकाला, पौंड, कह रहे पौंड मेरे पास है। एंड ही वाज लाइक, ये आपने कैसे बताया है, ये ज्योतिष नहीं है। ज्योतिषी मेरा ज्योतिषी है क्यों? 8वें घर का चंद्रमा कौन से घर को देखता है, 7वीं दृष्टि से बताओ, 2nd हाउस को देखता है। तो 2nd हाउस को वो देखेगा तो 2nd हाउस किसका, धन का। 8वां घर नवम से 12वां है, यानी कि नवम घर नैतिक है, नैतिक, और 8वां घर अनैतिक है, यानी कि जो इल्लीगल है। अब मैं एक बात पूछता हूं, मतलब कि जो डॉलर करेंसी है या पौंड जो करेंसी है, वो इंडिया के अकॉर्डिंग लीगल है कि इलीगल है? इलीगल है, हमारे लिए वो लीगल नहीं है ना, हमारे लिए लीगल टेंडर क्या है, रुपये, और वहां पे क्या हो गया, वो इलीगल। इसका मतलब जिसका 8वें घर में चंद्रमा होता है, बहुत बार तुम ये देखोगे कि उसके पास आपको बाहर की करेंसी मिलेगी जिसका यहाँ कोई काम नहीं है। अल्टीमेटली हाँ, मतलब वो जागृत रखेगा, जागृत रखेगा,
अब तो खैर वो दिन चले गए कि आप किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, भाई आप मन नहीं कर रहा है, कोई कह भी दे भाई नहीं आता, नहीं आता यार तो पीछा छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जैसे किसी का चंद्रमा हम बारहवें घर में देखते थे, तो हम चंद्रमा बारहवें वाले को हमेशा एक बात कि कोई आ गया चंद्रमा बारहवें वाला, ट्वेल्थ हाउस वाला, अरे यार हंसने से डर लगता है क्या, हंसने से डर लगता है क्या, चंद्रमा बारहवें वाले को पूछो, कहेगा मतलब यार हंस लिया अगर, हाँ हंसता तो हूं, अरे नहीं तुम हंसते नहीं हो, तुम्हें डर लगता है कि जिस दिन बहुत ज्यादा हंस लिए उस दिन उतना ही उदास होना पड़ेगा, दैट इज मून इन ट्वेल्थ। आदमी बहुत ज्यादा फन कर लेगा ना, बहुत ज्यादा मतलब भाई आज तो मजा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मान लो उसने सुबह से शाम तक अगर मजा किया है, अब शाम से रात तक उसकी काली होगी इसमें। इन दैट केस ऑल्सो इट कैन हैपन, यस 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 एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो ऐसी ऐसी प्रेडिक्शंस ना बहुत थी, ये मैंने डाल रखी है, मैंने वीडियो बना रखी है, काम आ जाएगी। अब मैं ये क्यों बता रहा था, मतलब कि जब चंद्रमा चौथे घर में हो तो आदमी खर्चा करे तो पैसा आएगा, बिकॉज ट्वेल्थ हाउस जो है एक्सपेंडिचर है। अब केपी चार्ट में जब तुम्हारा ट्वेल्थ हाउस एक्सपेंडिचर का होगा, और वो क्या दे रहा होगा, वो 2611 जैसे घर दे रहा होगा, 2611, तो इसका अर्थ ये है कि तुम जितना खर्चा करोगे उतना ज्यादा पैसा तुम्हारे पास आएगा। तो यू नीड नॉट टू ब्लॉक योर मनी। कई लोगों के पास दिक्कत क्या होती है, उनके पास पैसा होता है जेब में, पैसा होता है जेब में, उनके सामने चीज रखी होती है, एंड दे वॉन्ट टू बाय दैट थिंग, उन्हें खरीदनी भी है वो चीज, वो खरीद भी सकते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट परचेजिंग इट। अरे यार खर्च हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। अरे भाई तुम्हारा 12 सीएसएल 2611 दे रहा है, तुम खर्च नहीं करोगे तो आएगा कैसे? एक तो कह रहे हो तुम पैसा आए, अब ये तुम्हें क्यों हेल्प करेगा कि जब तुम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, किसी को पत्रिका दिखाओगे या किसी की पत्रिका देखोगे, तो बजाय उसको कोई उपाय देने के, तू ये बहा दे, तू ये कर दे, तू वैसा कर दे, तुम सिंपली उसको ये बोलो, भैया तेरा 12 सीएसएल 2611 दे रहा है, या तो तू अपने पैसे को खर्च या उसको कहीं इन्वेस्ट कर दे। अगर तू पैसा अपनी जेब में रखेगा तो आज भी ये 1000 रुपए जेब में लेकर तू घूमता रहेगा, और जब तू महीने बाद मुझे मिलेगा तब भी ये 1000 रुपए ही तेरी जेब में होगी, तो खर्च तू रहा नहीं। समझ गए बात को? That is the beauty of 12th house. That is the beauty of 12th house. समझ गए? इसलिए कौन से दो घर हैं जिनसे प्रेम करो? 8th एंड 12th। इनको अच्छा रखो, इनके साथ छेड़छाड़ करने का नहीं, इनको नेगेटिवली छेड़ने का नहीं। आठवें घर को ट्रिगर कर रहे हो कि चलो इसको पीड़ा दूंगा, इसको इसको इसको, अरे तुम उसको तो दे दोगे। अगर उसका 8 सीएसएल अगर 10th हाउस दिया, फिर उसका तो पोजीशन अपलिफ्ट कर दिया तुमने, अब तुम्हारी जब आठवें घर की दशा आएगी वो क्या करेगी तुम्हारा? बात समझ गए? कर्मा थ्योरी क्या कहती है, कर्मा थ्योरी क्या कहती है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो बात जो जा रहा है वो आ रहा है। ये 8 और 12 कर्मा थ्योरी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड इज द ब्यूटी, दीज टू हाउसेज आर द मोस्ट ब्यूटिफुल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड व्हाट कर्मा थ्योरी इज ऑल अबाउट। आप साइंस में कह रहे हो कि न्यूटन ने कहा है कि आप एक्शन करो रिएक्शन आएगा, ये 8वां और 12वां घर वो एक्शन और रिएक्शन ही तो है। बस ये कौन सा एक्शन है, ये नेगेटिव एक्शन है। पॉजिटिव एक्शन कौन सा है, 10th हाउस कर्म है। एफर्ट्स कौन सा घर है, 3rd हाउस। ये पॉजिटिव हो गए, ये कौन से हैं, यानी कि एक्शन तो आप कर रहे हो 8वां घर, लेकिन किस इंटेंशन से कर रहे हो, सामने वाले को कोई ना कोई साले को इसको दुख देना है। 12th हाउस का किस लिए कर रहे हो, इसका नुकसान करना है मुझे। अरे तुम कुछ नहीं कर पाओगे,
उसका ट्वेल्थ हाउस अगर बढ़िया हुआ तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उसको बढ़िया करके चले जाओगे। एक और बात बता देता हूं अभी कि जब तुम्हारे पास ऐसा प्रश्न है कि जहां पर तुम्हारे सामने तीन चार चॉइसेस हो कि क्या खरीदे, तो एक काम कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन उनके लिए काम करेगा जिनके पास पैसे पैसा अच्छा खासा होता है, ठीक है, हर किसी के लिए काम नहीं करेगा। जिनके पास पैसा अच्छा खासा हो उनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक। अब जिसके पास पैसा नहीं होगा वो बेचारा क्या विचार करेगा, क्या खरीदूं क्या ना खरीदूं। जिसके पास पैसा नहीं है, या जिसके पास सॉरी नहीं है, नहीं है कि तो कोई टेंशन ही नहीं है यार, वो ज्योतिषी के पास जाएगा ही क्या बेचारा, उसके साथ तो वो स्टोरी बन जाएगी, ला यार 10 रुपए दे दे तेरा उपाय कर देता हूं, तेरा शनि भारी है। कहता नहीं 10 भी नहीं है 5, ला 5 दे दे, 5 भी नहीं है ला 1 रुपया दे दे, 1 भी नहीं है जा यार तेरा शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बेचारे के जिसके पास कुछ है ही नहीं उसका क्या 8वां बिगाड़ेगा क्या 12वां बिगाड़ेगा, समझ रहे बात को। तो जिसका ऑलरेडी बेचारे का बिगड़ गया तुम क्या क्या करोगे यार। तो अगर मान लो तुम्हारे पास 4 ऑप्शन आ जाए, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब हमारे में पैसे वाला व्यक्ति कौन है, ठीक है, एक अल्ट्रा रिच, एक तो विनय है, अभी विनय है नहीं, ठीक है। अब विनय के पास मान लो 4 ऑप्शन है कि एक तो विनय के मन में आ रहा है मैं गोल्ड खरीदूं, बी विनय के मन में आ रहा है कि मैं फ्लैट परचेज करूं, सी विनय के मन में आ रहा है कि मैं कोई लैंड रॉ लैंड वो परचेज कर लूं, या डी विनय के मन में आ रहा है मैं कार परचेज कर लूं। अब ये 4 क्वेश्चंस विनय के दिमाग में आ रहे कि इनमें से किस चीज को खरीदना मेरे लिए श्रेष्ठ रहेगा। अब क्या हुआ कि अब ये पत्रिका आई है किसके पास, सौरभ के पास। अब सौरभ विनय से नंबर मांग रहा है कि भाई पहले के लिए मुझे कोई नंबर दो। तो पहले के लिए ए के लिए सौरभ ने नंबर मांगा विनय से, विनय ने नंबर दिया 22, 1 से लेकर 249 के बीच। बी के लिए नंबर मांगा तो नंबर दिया 109। सी के लिए नंबर क्या दिया 112। और डी के लिए नंबर क्या दिया 221। अब ये 4 नंबर दे दिए, ठीक। अब इन चारों के 12 CSL बन गए, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो अब ए में आया क्या नंबर 3, 6, 9, 10, बी में आया 5, 8, 12, सी में आया 2, 6, 11 और डी में आया, तुम लोग मत बोलना, ये जो लोग देख रहे हैं वीडियो को वो सब लोग आंसर करेंगे कि क्या परचेज करना विनय के लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो डी का आया 4, 7, 10 and 2। तो इसमें से तुम लोगों ने नहीं बोलना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो विनय के लिए श्रेष्ठ रहेगा कि विनय उसमें इन्वेस्ट करे अपने पैसे को तो वो ज्यादा बेटर है। आंसर बताओ इसका क्या आना चाहिए। ऑप्शन नंबर, मेरे को ऑप्शन नहीं दिख रहे तेरे, तुम्हारे पास आ रहे हैं? सी आ रहा है, सी मोस्टली, सी बी, सी बी। द आंसर इज आंसर सी। उसको उसको लैंड लेने में एक किसी ने 2 लिखा ऑप्शन नंबर बी, नहीं हो सकता है कि विनय के साथ कोई बेचारे को मतलब किसी की कुन्नत हो के कि नहीं उसको उनको बी ऑप्शन दे देते, ठीक।
ये हितेश क्या है कि जब तुम्हारे पास में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो क्वेश्चंस तुमसे इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछेंगे कि भाई मैं ये तीन चार चीजें देख रहा हूँ, तीन चार लैंड देख रहा हूँ, तो इनमें किस में मेरी इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छी रहेगी, तो जो उसके नंबर ऑफ ऑप्शंस है उनको साइड में रख लो, उन सभी नंबर ऑफ ऑप्शंस के लिए एक नंबर लिख लो 1 to 249, तो सबके लिए एक सेपरेट प्रश्न कुंडली बनेगी जिसके अंदर 12th CSL ज्यादा बेटर कंडीशन में होगा वो ऑप्शन इस व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ रहेगा। इसका अर्थ ये रहे ना रहे वो छोड़ दो, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, वो परमात्मा तय करेगा कि उसको लाभ होगा कि हानि होगी। बट बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर हमारा दायित्व ये बनता है कि हम उसको वो बताएं जहां पर उसका ऑप्शन 2, 6, 11 जैसे नंबर्स दे रहा, राइट? तो दैट इज आवर ड्यूटी। ठीक है सौरभ, एक बार यार मेरे को एस्ट्रो सेज खोल के दे दो ताकि मैं इनको ना डेमो दे दूं कि भाई किस तरीके से तुम्हें डालना है, किस तरीके से देखना है, 12th जो CSL देखना है वो कैसे देखना है। नहीं नहीं चार्ट मत खोल के दो, बिल्कुल फ्रंट पेज खोल के दे दो। वो एस्ट्रो सेज ऐप जब खोलते हैं तो खुलते टाइम वो कैसे दिखती है उस तरीके से, ठीक है? तो बेसिकली ये एस्ट्रोसेज ऐप है, ठीक है? ये एस्ट्रोसेज ऐप है, ये आप सब लोगों के सामने है इस समय। तो इसमें आपने क्या करना है कि जब भी ऐप खोलनी है आपने, सपोज करिए यहां पर, तो सबसे पहले आप अयनांशा देखिए, यहाँ अयनांशा लिखा आ रहा है ना, यहाँ पर अयनांशा देख रहे हैं। अयनांशा में केपी ओल्ड, अभी केपी ओल्ड और केपी न्यू के डिबेट में नहीं जाते, आप केपी ओल्ड डाल दीजिए, ठीक है? कि कोई भी आपके पास बर्थ चार्ट आता है केपी ओल्ड डाल दीजिए। अब केपी ओल्ड में आप यहां पर क्लिक कर दीजिए गेट हॉरोस्कोप, ठीक है? तो ये गेट हॉरोस्कोप पर आपने क्लिक कर दिया, प्रोसीड करना है जैसे क्लिक करेंगे प्रोसीड आएगा। अच्छा प्रोसीड, ओके ठीक है। तो ये गेट हॉरोस्कोप पर हमने क्लिक कर दिया अभी, ठीक है? अब यहां से हम क्या करेंगे देखो, मैं फिर रिपीट करता हूं, यहां से हम इसको क्लिक करेंगे और यहां से केपी सिस्टम को ओपन कर देंगे, केपी सिस्टम, राइट? ये केपी सिस्टम को हमने क्लिक किया, अब हम इसको से ड्रैग कर रहे हैं, तो ड्रैग करके हम ये कस्प पर आ गए, ठीक है? ये कस्प आ गया यहां पर। अब इस कस्प के अंदर तीन चार कॉलम है हमारे, चार कॉलम में जो पहला कॉलम है जहां SL लिखा है, SL का मतलब क्या, साइन लॉर्ड, यानी कि घर का साइन लॉर्ड कौन है। फिर NL मतलब नक्षत्र लॉर्ड, घर का नक्षत्र लॉर्ड। और थर्ड में क्या आ रहा है, थर्ड में आ रहा है SB यानी कि सब लॉर्ड। तो आज जैसे हमने पढ़ाई की है किसकी, 12th CSL की, तो सौरभ का 12th CSL कौन है, मरकरी है, राइट? मरकरी है। तो अब ये हमने मरकरी देख लिया, अब प्लैनेट सिग्निफिकेशन पे नहीं जाना है, अब प्लैनेट्स पर आ जाओ। मरकरी देखा तुमने कहां पर है, ठीक है? मरकरी देखा, अब मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड देखो कौन है, वीनस। मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, वीनस। तो हमें क्या करना है, हमें मरकरी और वीनस की स्क्रिप्ट सबसे पहले देखनी है, यानी कि मरकरी कौन से नंबर दे रहा है वो, और वीनस कौन से नंबर दे रहा है वो, तो हमें देखनी है। अब हम क्या करेंगे, हम सीधे केपी चार्ट पे चले गए, चले गए केपी चार्ट पे। अब मुझे बताओ सबसे पहले कि मरकरी कौन से घर में है, सब लोग आंसर करो इस बात का, ये केपी चार्ट में मरकरी कौन से घर के अंदर है, केपी चार्ट में 11th हाउस, 11th हाउस में आ गया। और वीनस कौन से घर में है, 12th हाउस में। और वीनस की राशियां कहां आ रही है, 4 में आ रही है, 9 में आ रही है, ठीक है? मरकरी की राशि कहां आ रही है, 5, 6, 11। तो ये कौन कौन से नंबर आ गए हमारे पास, 5, 6, 11 एंड 9 एंड 12। हाँ अच्छा 8 भी आ रही है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 8, 5, 8, 6, 11, 5, 6, 8, 11 मरकरी। और वीनस क्या दे रहा है, 9 एंड 12, 9 एंड 12। अब मुझे बताओ हितेश, जो हमने फॉरेन सेटलमेंट के लिए कॉम्बिनेशन लिया था वो क्या लिया था, 12th CSL क्या दिखाए, 3, 9, 12। तो क्या सौरभ के चार्ट में फॉरेन सेटलमेंट का
योग बन रहा है, बन रहा है, बिकॉज 12th CSL का जो स्टार लॉर्ड है वो वीनस है, वो कौन सा नंबर दे रहा है, 9 and 12, 9 12, ठीक है, 4 9 12, 4 भी आ रहा है, मतलब ये सिर्फ सेटल नहीं होगा, हो सकता है ये डायरेक्ट वहां जाके कोई खरीदारी करे, कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करे, एंड देन ही विल सेटल अब्रॉड, राइट। अब 12th CSL मरकरी है, वो कौन सा घर दे रहा है, 11वां घर दे रहा है, तो हमें ये भी पता चल रहा है कि खर्चने से लाभ भी होने, यानी कि अगर ये व्यक्ति खर्चेगा तो उसको लाभ भी होंगे, राइट। और 12th CSL का, 12th CSL का स्टार लॉर्ड यानी कि 12वें घर के उप नक्षत्र का जो नक्षत्र स्वामी है वो 12वें घर में है, तो मुझे ये बताओ कि खर्चे इस व्यक्ति के, सौरभ के, कम होंगे या ज्यादा होंगे, अगर 12th CSL का स्टार लॉर्ड वीनस खुद 12th में बैठा है तो ये खर्चों को कम करेगा कि ज्यादा करेगा, ज्यादा करेगा। अब सामने वाले से पूछ लो कि क्या ऐसा होता है कि तुम्हारे एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा होते हैं, सामने वाला कहेगा बिल्कुल होते हैं एक्सपेंडिचर्स ज्यादा, वो मना कर ही नहीं सकता आपको, बात समझ गए। दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क इन केपी एस्ट्रोलॉजी, इस तरीके से तुम्हें केपी ज्योतिष में काम करना है, ठीक है, क्योंकि आगे आगे तुम लोगों ने कुंडलियां देखनी है, ये लोग भी अपनी कुंडलियां खुद देखेंगे, मेरा ना तो अब कोई मूड है, इसलिए मैं तुम्हें एग्जैक्ट वो चीज बता रहा हूं। आगे चल के जब टाइमिंग ऑफ इवेंट्स जब हम करेंगे, टाइमिंग ऑफ इवेंट यानी कि घटना कब होती है, उस पर मैं तुम्हें फिर कुछ चीजें बताऊंगा, बट अभी के लिए मैं ये कह देता हूं सभी लोगों से, जो जो लोग केपी एस्ट्रोलॉजी को विस्तृत रूप में पढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि भाई हम समझे यार, हमारा मन लग रहा है केपी को जानने, हमें इंटरेस्ट आ रहा है केपी में, गो थ्रू दिस बुक। आप इस बुक को अच्छे से पढ़ लिए, आपको मेरी एक एक बात तुम्हारे जहन में बैठ जाएगी, मैं क्या बोल रहा हूं, एक एक चीज पढ़ लो। और नेक्स्ट टाइम मैं एक काम करूंगा, मैं नेक्स्ट टाइम कोई घर नहीं उठाने वाला, मैं केपी के बेसिक फंडामेंटल्स तुम्हें बताऊंगा जो इस बुक में स्वयं स्वर्गीय श्री के एस कृष्णमूर्ति जी ने लिखे, ठीक है, इसलिए इतना तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ब्यूटीफुल साइंस है, अच्छी साइंस। और फिर मैं वो चीज बोल रहा हूं, उस डिबेट में मत पढ़ना जिस डिबेट में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हमेशा पढ़े रहते हैं, ये मेरी मेरी विद्या अच्छी है, मेरी विद्या को सुनो, ये श्रेष्ठ है, उसको मत हाथ लगाओ, एवरी विद्या, हर विद्या श्रेष्ठ है, काम एलोपैथी भी करती है, काम होम्योपैथी भी करती है, काम आयुर्वेदा भी करती है, तीनों चीजें काम करती है, तीनों की वर्किंग करने की थोड़ी सी अलग है, बाकी तीनों का जो उद्देश्य है वो क्या है कि सामने वाले को बीमारी से निजात देना, वही कार्य ज्योतिष का है। सैटरडे को हम मास्टर क्लास करेंगे वीनस पर, किस पर करेंगे, वीनस पर मास्टर क्लास करेंगे, और वीनस को मैं कुछ, वीनस की जो एक फॉर्म है, अच्छा एक बात और बता देता हूं मैं तुम्हें, हमेशा एक बात याद रखना, ज्योतिष में दो चीजें बहुत मुख्य हैं और इस चीज की गलती नहीं करनी है हितेश, दो चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, एक है ज्योतिष की फिलॉसफी यानी कि ज्योतिष के काम करने का तरीका कि ग्रह काम कैसे करता है, ग्रह अपने कारक तत्वों के हिसाब से कैसे कार्य करता है। अब जैसे मैं कहूं कि हितेश कोई व्यक्ति है जो बहुत एनर्जेटिक है, बहुत एथलेटिक है, ठीक है, तो एनर्जेटिक है और एथलेटिक है, तो अगर मैं बिना कुंडली देखे तुमसे ये कहूं हितेश इस व्यक्ति का मंगल कैसा होना चाहिए, तुम क्या कहोगे, अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर मंगल अच्छा नहीं होगा तो व्यक्ति एथलेटिक कैसे होगा, बात समझ रहे हो, ये क्या हो गया, ये फिलॉसफी हो गई, यानी कि हम एक फिलॉसफी के बेसिस पर एक प्लैनेट को देख रहे हैं, यार ये प्लैनेट जो है ये अच्छा है, तो मंगल इज गुड, ये तो हो गई फिलॉसफी। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया फॉर्मूला, फॉर्मूला मतलब कैसे, मंगल कहां बैठा है, 10th हाउस में बैठा है, कौन से घर का लॉर्ड है, इस घर का लॉर्ड है, तो एक हो गया फॉर्मूला जिसके बेसिस पर हम प्रिडिक्शन दे रहे हैं। तो याद रखना ज्योतिष के अंदर फिलॉसफी एंड फॉर्मूला बोथ आर इंपॉर्टेंट,
जो आदमी ये कहे कि भाई ज्योतिष फिलोसफी से नहीं चलता, ज्योतिष की कार्यशैली छोड़ दो, हमें सीधे फॉर्मूले पे लाओ, अगर तुमने ज्योतिष की फिलोसफी नहीं समझी तो ज्योतिष के फॉर्मूले तुम्हारे काम कभी नहीं आएंगे। बात समझ रहे? कैसे? मैं एक उदाहरण दे दूं एक उदाहरण बताओ। 12th CSL मरकरी किसका है? सौरभ का है। मरकरी था ना, सब लोग चेक करना अपने अपने हॉरोस्कोप। 12th CSL जिसका मरकरी होगा या जुपिटर होगा, 12th CSL जिसका मरकरी होगा या जुपिटर होगा, नक्षत्र लॉर्ड पे नहीं जाने को कह रहा हूं, सिर्फ CSL, वो व्यक्ति अपना व्यय किताबों पर अवश्य करेगा। जिस व्यक्ति का 12th CSL मरकरी होगा या जुपिटर होगा वो अपना व्यय किताबों पर अवश्य करेगा। जुपिटर वाला व्यक्ति जो है वो व्यय को किताबों की बजाय, यहां यहां दो चीजें और डिफरेंशिएट हो जाएंगी। किताबों वाला व्यय तो क्या हो गया, ये तो वो व्यय हो गया जो दोनों के लिए कॉमन हो गया कि भाई ठीक है मेरा 12th CSL मरकरी है, हितेश का जुपिटर है, मैं भी किताबों पे व्यय कर रहा हूं, हितेश भी कर रहा हूं। बट एक चीज जो डिफरेंशिएट हो जाएगी यहां पर वो कारक तत्वों के अकॉर्डिंग हो जाएगी। क्या? मान लो मेरा मरकरी है, हितेश का जुपिटर है, तो व्यय तो हम दोनों किताबों पर कर रहे हैं, लेकिन हितेश का क्योंकि जुपिटर है तो हितेश धर्म कर्म पर भी खर्च करेगा। यानी किसी मंदिर गया तो उस मंदिर में चलो यार मुझे डोनेशन करनी है, मैं इस मंदिर में पर्ची कटवाऊंगा, मैं इस मंदिर में डोनेट करूंगा, क्योंकि जुपिटर रिप्रेजेंट्स धर्म, मरकरी रिप्रेजेंट्स कम्युनिकेशन बात कम्युनिकेशन, तो फोन्स मोबाइल फोन्स आर अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो जिसका 12th CSL मरकरी होगा वो मोबाइल फोन्स पे खर्चेगा, वो नए नए मोबाइल फोन खरीदेगा, सौरभ खरीदेगा। किताबों पर जो था वो कॉमन था, लेकिन मरकरी एक होने से, जुपिटर एक होने से क्या हुआ, बदल गई गेम। अब मुझे समझाना, तुम लोग आंसर करके समझाना, ये जो प्रिडिक्शन निकली कि ये करेगा मोबाइल फोन्स पर, वो करेगा धर्म पे, ये फॉर्मूले से निकली या फिलॉसफी से निकली? ये फिलॉसफी से निकली। अब यहां फिलॉसफी काम की कि फॉर्मूला काम किया? फिलॉसफी काम किया। इसलिए अगर तुम्हें कोई रोकता है, अरे यार फिलॉसफी में कुछ नहीं रखा, ये एस्ट्रोलॉजिकल फिलॉसफी तुम बातें कर रहे हो, अरे भाई अगर तुमने ग्रह के मूल धर्म को नहीं समझा, उसके गुण धर्म को नहीं समझा, तो तुम उसके फॉर्मूले पर भी फेल। You have to collect both in a subtle manner, right? तो आज के लिए इतना ही करें, सैटरडे को फिर करते हैं, वीनस की क्लास करेंगे और वीनस के उन रहस्यों के बारे में बात करेंगे जो हमने कभी जिन पर विचार नहीं किया है, right? तो आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि, जय श्री राम।